हेलो फ्रेंड्स, पहले तो होली पे कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती थी और इस बार बहुत गर्मी है। तो हम आ गए अपनी टी शर्ट्स में क्योंकि किचन में वर्क नहीं होता है। और ये बन रहे हैं कल के लिए भल्ले, क्योंकि हमने कल बनाने हैं दही भल्ले, पापड़ी चाट। पापड़ी रेडीमेड ले आएंगे, भल्ले घर बना रहे हैं। ये रहा बैटर और ये बन रहे हैं भल्ले। चटनी के लिए धनिया साफ कर दिया है, भल्ले बनके तैयार हो गए हैं। दूध और दही के लिए पनीर उबल रहा है और कल के राजमा के लिए मसाला बनाया है। और ये रात के लिए दाल भी रेडी हो गई है। इसका प्लेन पनीर निकलेगा, एक मसाले वाला पनीर, एक प्लेन पनीर। प्लेन पनीर मैंने निकाल लिया है, ये देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट निकला है। घर का पनीर ही अच्छा लगता है, हमारे घर में सब घर का ही पनीर खाते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ मसाले वाला पनीर। इसके लिए मैंने हरी मिर्च ली है, धनिया ली है जो मैंने धो के रख लिया है इसमें, ताज़ा भुना हुआ जीरा और नमक, थोड़ी सी हरी लाल मिर्च इसमें जाएगी। ये दूध को मैंने पहले गर्म कर लिया है। अब मैंने मिलाया है थोड़ा सा सिट्रिक एसिड। अब मैं इसको धीरे धीरे ऐसे हिलाऊंगी और ये देखिए ये देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट ये मेरा मसाले वाला पनीर निकला है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। है ना कितना आसान है पनीर निकालना, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसे सेट होने में और ये प्लेन पनीर की तरह ही इतना ही सॉफ्ट निकलेगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। आप मार्केट से जो पनीर लाते हो ना, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी क्वांटिटी में पानी मिला रखा होता है कि जिससे वो सॉफ्ट रहे, पर आप उसे जब गर्म करते हैं, जब फ्राई करते हैं, आपने देखा होगा कितना थिक और कितना सा उसका साइज़ कितना सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है और वो टाइट होता है थोड़ा सा खाने में। घर का पनीर बहुत अच्छा निकलता है। ये फ्रेंड्स कितना अच्छा निकला है मसाले वाला पनीर, एकदम सॉफ्ट। ये देखो आपसे पास से आपको सब कुछ दिखेगा इसके अंदर, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा ना, और ये खाने में इतना टेस्टी है ना, मार्केट का पनीर भी इतना टेस्टी नहीं होता मसाले वाला। और बहुत इजी है बनाना जैसे कि आपने देखा है, तो एक बार आप घर पे अपने ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा ये मसाले वाला पनीर। के प्रिपरेशन करते करते किचन का हाल ऐसा हो गया जैसे हमने कुछ काम ही नहीं करा है। बस अभी मेरी चटनी पीसनी रह गई है, अब मैं उसे भी पीसूंगी और फिर साथ में पूरी किचन भी सेट करेंगे। अभी डिनर भी बच्चों ने कर लिया है, बड़े रह गए हैं घर के डिनर करने के लिए, तो इतना उनके डिनर से पहले मैं फटाफट से अपनी चटनी पीस लेती हूँ और किचन कर लेती हूँ क्लीन। तो आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली।